वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा। नमस्कार, वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अगर लेट लतीफी आपकी जिंदगी का हिस्सा है तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, उसे छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। दुनिया में एक देश ऐसा है जहां कभी भी किसी भी कार्यक्रम में समय से पहुंचना असभ्यता माना जाता है। हद तो यह है कि अगर आप किसी कार्यक्रम में, किसी बुलावे में समय से पहुंच गए तो आपको मेजबान भी तैयार नहीं मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको उस कार्यक्रम की तैयारी में हिस्सा बटाना हो। इस देश का नाम ब्राज़ील है। वैसे तो पूरे के पूरे ब्राज़ील के लोग लेट लतीफ़ हैं, लेकिन रियो के बाशिंदों का लेट लतीफ़ी में कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ के लोगों का मोटो है, लाइफ इज़ ए बीच, यानी ज़िंदगी एक ठहराव है। लेट लतीफ़ी यहाँ बोली जाने वाली पुर्तगाली भाषा में भी दिखती है, उसके शब्दों में लेट लतीफ़ी झलकती है। वहाँ टाइम पर पहुँचने का कोई शब्द है ही नहीं इस भाषा में। जब कोई शख्स समय से पहुँच जाता है तो उसे हीरो इंग्लिशिया कहते हैं। 1933 में पीटर फ्लेमिंग ने अपनी किताब में लिखा है कि यदि कोई जल्दबाज है तो ब्राज़ील में उसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा, ब्राज़ील में उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ की जीवन शैली बेहद आराम तलब है। ब्राज़ील पहला दक्षिणी अमेरिकन देश है जिसने 1980 के दशक में सेना में महिलाओं की भर्ती शुरू की। यहाँ का राष्ट्रीय पेय कैपरीना है, जो गन्ने के शराब से बनता है। इसे गिलास में शक्कर और बर्फ के साथ रखकर पिया जाता है। ब्राज़ील पहुंचने वाला आधिकारिक यात्री एक पुर्तगाली अन्वेषक आंद्रा गोनक्लेक्स था। 1 जनवरी 1502 को उसने आज के रियो डी जेनेरियो पर पहला कदम रखा था। आज़ादी के बाद से आज तक इस देश की राजधानी 3 बार बदली जा चुकी है। अभी ब्रासिलिया इस देश की राजधानी है। आसमान से देखने पर यह राजधानी जहाज की तरह दिखती है। यहाँ गन्ने के खेतों में काम करने के लिए अटलांटिक महासागर पार करके 35 लाख लोग अफ्रीका से आए, जिन्हें 3 दशक तक गुलामों की ज़िंदगी जीना पड़ा था। यहाँ 1808 में प्रिंटिंग प्रेस लग गई थी। पहले यहाँ फुटबॉल का सबसे धनी खिलाड़ी है हल्क, डेविड लुइस, रोनाल्डो डिलामा, आस्कर, नेमार, राबिनो, विलियन, काका, एडरसन पाउंड, रोनाल्डियो, कैपलिन मेबरपा, फिलिप कोतिनो, ओस्मैन डिम्बेबे, ऐसे खिलाड़ी हैं यहाँ के जिनको पूरी दुनिया जानती है। लेट लतीफ़ रहने वाले इस देश में सबसे तेज खेल खेला जाने वाला फुटबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, यहाँ के लोगों के पसंदीदा का खेल है। मकाऊ नाम का तोता यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। ब्राज़ील शब्द का मतलब है आदमी की तरह लाल, जो कि ब्राज़ील वुड नामक पेड़ से लिया गया है। यहाँ सबसे ज़्यादा पुर्तगाली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। यह क्रैक कोकीन का विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ का राष्ट्रीय व्यंजन ब्लैक बीन्स से बनी डिश है, जिसे फेलेजोडा कहते हैं। अमेजन नदी का आधे से ज़्यादा हिस्सा ब्राज़ील में पड़ता है। यह 64,000 किलोमीटर लंबी है। बारिश में 190 किलोमीटर तक यह नदी चौड़ी हो जाती है। यहाँ का समुद्र तट 7,491 किलोमीटर है, जो विश्व में 16वें स्थान पर है। 2008 से यहाँ लिंग परिवर्तन की सर्जरी निःशुल्क होती है। ब्राज़ील के ग्रामीण इलाकों में 35% लोग ऐसे हैं जो पशुओं से सेक्स करते हैं। यहाँ 19 वर्ल्ड हेरिटेज हैं, यानी दुनिया की मानिंद 19 इमारतें सिर्फ ब्राज़ील में हैं। बंदरों की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ भी ब्राज़ील में ही पाई जाती हैं। 180 भाषाएँ यहाँ बोली जाती हैं। 70 ऐसी जनजातियाँ पाई जाती हैं जिनका आज भी बाहरी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। विश्व में सबसे ज़्यादा अरबपतियों में ब्राज़ील 9वें स्थान पर है। यहाँ वोट देना अनिवार्य बनाया गया है। यहाँ सारे के सारे लोग मतदान करते ही हैं। यहाँ पाए जाने वाले बोरोरो समुदाय के सभी लोगों का ब्लड ग्रुप ओ है। यहाँ के स्नेक आइलैंड पर मनुष्यों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि हर वर्ग मीटर पर कम से कम 5 सांप तो उस स्नेक आइलैंड पर मिल ही जाते हैं। ब्राज़ील के रैंप गानों में महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया जाता है।
पहली बार कुएब्रा बाराको नाम की महिला ने जो रैप गाना बनाया तैयार किया उसमें पुरुषों पर तंज है। यहाँ के लोगों की लेट लतीफ़ी की आदत नैसर्गिक सौंदर्य से भरे इस देश का लुत्फ उठाने के लिए बहुत मौका देती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को आराम के क्षण में गुजारना चाहते हैं, लेट लतीफ़ होना चाहते हैं, लेट लतीफ़ी आपकी आदत है, तो एक बार ज़रूर जाइए ब्राज़ील और लुत्फ उठाइए अपनी इस आदत का भी। और आप लोगों से कह सकेंगे इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी एक रस है, इसमें भी लुत्फ है। नमस्कार। Y Factor with Yogesh Mishra.